बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अख्तर और आप देख लें यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चेक करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं गोल्डन वीज़ाज के हवाले से। इस पर कुछ वीडियोज़ मैंने पहले बनाई हैं, कुछ इसमें चेंजेस आई हैं, तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं कि माल्टा का जो गोल्डन वीज़ा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से आप सेकंड नेशनलिटी ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कि ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है क्योंकि आप ये नाम से ही जाहिर है गोल्डन वीज़ा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बदले आप क्या ले रहे हैं? आप एक सिक्योर फ्यूचर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ आप एश्योर कर रहे हैं अपने लिए, हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। आई नो इट्स नॉट ईजी ऑप्शन फॉर एवरीवन, बट कुछ ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, कुछ नहीं होते। अब ये वीडियो जो है ये समझ के बनाई जा रही है कि इससे हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और उनके पास कुछ एसेट्स भी हैं और वो किसी भी तरीके से ड्यूल नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते यूरोप की, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वो आइदर हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए अच्छी हो जाए। तो ये जो प्रोग्राम है ये इसको कहते हैं माल्टा परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम, अप्रैल में लॉन्च हुआ है 2021 में, अगेन नॉन ईयू नेशनल के लिए और उसके क्वालिफाइंग मेम्बर्स के लिए है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए मिनिमम, नेशनल्स ऑफ नॉन ईयू कंट्री होने चाहिए, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और आपके पास जो वेल्थ होगी, जो इनकम होगी, उसका सोर्स आपने बताना है कि वो कहाँ से होगा, और मिनिमम जो आपने कैपिटल शो करना है वो 500,000 यूरो शो करना है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रॉपर्टी बाय कर लें या तो आप प्रॉपर्टी को रेंट पर ले लें, लीज पर ले लें। अब जो परचेज प्रॉपर्टी होगी माल्टा के अंदर उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 300,000 यूरो मिनिमम होनी चाहिए, जो कि साउथ ऑफ माल्टा में होगा, और द रेस्ट ऑफ माल्टा के लिए 350,000 यूरो होनी चाहिए। अब अगर आप प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हम रेंट में इन्वेस्टमेंट करें, रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर, तो जो साउथ ऑफ माल्टा होगा उसका जो रेंट होना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए, ईयरली रेंट होना चाहिए, और जो रेस्ट ऑफ माल्टा है उसमें 12,000 ईयरली रेंट होगा। आपने प्रॉपर्टी को होल्ड करना है 5 साल तक के लिए, और इसके अलावा आपने 2,000 पाउंड का डोनेशन करना है चैरिटी के लिए, जो एनजीओज होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज हैं उनको आपने डोनेट करना है। अब आते हैं क्वालिफाइंग फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं। आपके स्पाउस हैं, चाइल्ड हैं जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, पेरेंट्स हैं, इन लॉज पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और जो आपके स्पाउस हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, आपने लॉ फर्म हायर करनी है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और जो एप्लीकेशन फीस है इनिशियल आपने डिपॉजिट करवानी है वो है 10,000 यूरो, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद अगर आपका ड्यू डिलीजेंस टेस्ट जो कि 4 से 5 महीने का तक का होता है वो अगर आपने पास कर लिया, आपको रिमेनिंग फीस पे करनी होगी जो कि 30,000 यूरो। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी को रेंट करना है या परचेज करना है, इज़ अप टू यू, और आपने जो 2,000 का डोनेशन है चैरिटी को वो आपने जो एनजीओस को वो पे करना है। अब सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और इसमें आपको 5 साल के बाद सिटीजनशिप मिलेगी। सिटीजनशिप की जिस वक्त आप एप्लीकेशन डालेंगे तो उससे पिछले जो 12 महीने होंगे आपने कंटिन्यूसली माल्टा में रहने होंगे। इसके अलावा आपने ये प्रूव करना होगा कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज है इंग्लिश का या वहाँ की जो लैंग्वेज है माल्टीज का, एग्ज़ाम पास करना होगा। इसके अलावा जो मिनिमम रेजिडेंसी क्राइटेरिया है वो है 183 डेज इन 1 ईयर आपको रहना है माल्टा के अंदर। इसके अलावा अगर बाकियों वाले देखे जाएँ जैसे कि साइप्रस है, उसमें रेजिडेंसी क्राइटेरिया बहुत कम है, पुर्तगाल का भी रेजिडेंसी क्राइटेरिया कम है लेकिन इसका ज़्यादा है। अब इसके बाद सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। सिटीजनशिप का फ़ायदा क्या है, आप पूरे यूरोप में ट्रेवल कर सकते हैं, शेंगेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आप अपने बच्चों को कहीं भी एजुकेशन दिलवा सकते हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके लिए फ्री हो जाती हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है अगर आप इसको मीट करते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी इस फाइल को प्रोसेस करते हैं
और आपके बिहाफ पे हम इस फाइल को लॉन्च कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।